रूह प्यासी कहां से आती है, ये उदासी कहां से आती है, तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू होके बासी कहां से आती है। तो ये शायर शायर ही कर सकता है, ये न जाने कब क्या सोच ले और क्या कह दे। तो इसी तरह का एक शायर मेरी फेहरिस्त में मौजूद है जो बिल्कुल नए अंदाज से शायरी करने का फन और हुनर जानता है। आपको आपको ये महसूस होगा कि ऐसा भी कहा जा सकता है, वो शायर जो है बेजान चीज़ों को जुबान अता करता है अपनी शायरी में। मेरी मुराद जनाब अश्विनी मित्तल ऐसे है, गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए, पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ इंशाद का इस फहरिस्त में मुझे जगह देने के लिए। जैसे कि शर्जील भाई ने कहा कि जब तक ऐसा कहा जाता है कि जब तक एक शायर मालेगांव की समातों के हवाले नहीं जाता तब तक वो मुकम्मल नहीं होता। मैंने भी ये चीज़ काफ़ी टाइम से सुनी है और आज आप सबके दयार में हाजिरी हुई है। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, सभी बड़ों की इजाज़त से, सभी बड़ों की इजाज़त से जी एक मतला देख लें आप पूरी पूरी तवज्जो से, कि एक दूजे के सामने काटे जाते हैं, एक दूजे के सामने काटे जाते हैं, हम इंसान भी बिल्कुल पेड़ों जैसे हैं। आहा वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने अश्विनी भाई, बहुत खूब बहुत खूब। एक दूजे के सामने काटे जाते हैं, हम इंसान भी बिल्कुल पेड़ों जैसे हैं। वाह। एक और गजल से कुछ शेर देखें के जी। यार को बेवफा नहीं कहना, हमने कुछ पहले सा नहीं कहना। वाह। कहना क्या है ये बाद में सीखो। कहना क्या है ये बाद में सीखो, पहले सीखो कि क्या नहीं कहना। वाह 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 वाह। कहना क्या है ये बाद में सीखो, पहले सीखो कि क्या नहीं कहना। तेरे मुंह में जुबां भी तेरी है, तेरे मुंह में जुबां भी तेरी है, सो किसी का कहा नहीं कहना। वाह। तेरे मुंह में जुबां भी तेरी है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, सो किसी का कहा नहीं कहना। आप बड़ी बड़ी खूबसूरत समाते हैं आपकी। मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूं और आपकी तवज्जो इस पे ज्यादा चाहूंगा, देखिए, क्योंकि मामला बहुत बारीक है, अगर तवज्जो नहीं होगी तो निकल जाएगा। कि पहले मुझको लगा सब गवाह ही दिया। आहा। और ये मेरे साथ हादसा हुआ, इसको दो मिसरों में मैंने बयान करने की कोशिश की। ये मेरे साथ हुआ कि पहले मुझको लगा सब गवाह ही दिया, फिर मुझे एक अपाहिज दिखाई दिया। आहा आहा आहा, क्या बात है, आहा भाई, क्या सामने की बातों को खूबसूरती से आप पिरो रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। आहा, पहले मुझको लगा सब गवाह ही दिया, है क्या बात है, फिर मुझे एक अपाहिज दिखाई दिया। आहा आहा। और शेर देखिएगा, ये मेरे सामने का मंजर था कि मुझको एक बेजुबान ने इशारे किए, हाय हाय हाय, वो शख्स बोल नहीं सकता था, क्या बात, मुझको एक बेजुबान ने इशारे किए, देखते देखते सब सुनाई दिया। आहा आहा आहा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 भाई, हमारे चारे वाला साहब की जानिब से और इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से नजराने मोहब्बत। आप सबकी समातों का बहुत अब्दुल लतीफ साहब की जानिब से भी नजराने मोहब्बत। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रगुजार हूं। पहले मुझको लगा सब गवाह ही दिया, वाह, फिर मुझे कपाहिज दिखाई दिया। वाह।
मुझको एक बेजुबान ने इशारे किए, वाह देखते देखते सब सुनाई दिया। आए है, है। एक और गजल भाई, क्या अच्छे अच्छे मजामिन बांध रहे यार, वाह वाह जियो भाई, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबकी नहीं समातों में कुछ शेर और देखेंगे। क्या एक शेर बड़ा बड़े लोगों ने पसंद किया, मैं वो शेर नहीं पढ़ना चाहता था लेकिन आज आपकी समाते हैं कि मुझे पढ़ना है शेर वो की। जी। ना दरिया भी अगर पानी पिलाता आग को, हाँ ना दरिया भी अगर पानी पिलाता आग को, खुदा जाने को ही कैसे बुझाता आग को। आहा। उबलते वक्त पानी आहा। सोचता होगा जरूर। क्या बात है दोस्तों, शेर देखिए क्या बात है। उबलते वक्त पानी सोचता होगा जरूर, अगर बर्तन ना होता तो बताता आपको। क्या बात है, आहा। उबलते क्या वक्त पानी सोचता होगा जरूर, क्या छुता ख्याल लाए भाई, अगर बर्तन ना होता तो बताता आपको। वाह। ना दरिया भी अगर पानी पिलाता आग को, वाह खुदा जाने कोई कैसे बुझाता आग को, वाह उबलते वक्त पानी सोचता होगा जरूर, है, 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 है। अगर बर्तन ना होता तो बताता आग को। एक देखिएगा लफ्जों की तरतीब है और कुछ इसमें ख्याल देखें कि यार ने प्यार की इज्जत नहीं की, यार ने प्यार की इज्जत नहीं की ना, यार ने प्यार की इज्जत नहीं की इसलिए यार की इज्जत नहीं की। आहा वाह। यार ने प्यार की इज्जत नहीं की, वाह इसलिए यार की इज्जत नहीं की, उसको व्यापार भी इज्जत क्यों दे। आहा। उसको व्यापार भी इज्जत क्यों दे जिसने व्यापार की इज्जत नहीं की। वाह वाह वाह। उसको व्यापार भी इज्जत क्यों दे, वाह जिसने व्यापार की इज्जत नहीं की। और शेर देखें कि आपकी खूबसूरत समातों के हवाले, मैं शेर पढ़ने की कोशिश करता हूं आप सब। जी। जिसने व्यापार की इज्जत नहीं की, आपकी उंगलियां जख्मी हैं, आपकी उंगलियां जख्मी हैं क्योंकि, आपकी उंगलियां जख्मी हैं क्योंकि आपने धार की इज्जत नहीं की। वाह 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 वाह, क्या कहें, वाह। आपकी उंगलियां जख्मी हैं क्योंकि, वाह आपने धार की इज्जत नहीं की, इसलिए दार पे आया है सर, हाँ इसलिए दार पे आया है सर क्योंकि दस्तार की इज्जत नहीं की। आहा। इसलिए दार पे आया है सर क्योंकि दस्तार की इज्जत नहीं की। कुछ नए शेर हैं मेरे पास। जी जी जी। इश्क हर दर्द का त्रियाक भी हो सकता है, इश्क हर दर्द का त्रियाक भी हो सकता है, हद से गुजरे तो बशर खाक भी हो सकता है, कोई चुप है तो जरूरी नहीं वो गूंगा हो। कोई चुप है तो जरूरी नहीं वो गूंगा हो, डूबता आदमी तैराक भी हो सकता है। वाह 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 वाह। कोई चुप है तो जरूरी नहीं वो गूंगा हो, डूबता आदमी तैराक भी हो सकता है। मैंने सोचा था कि तीसरा शेर नहीं पढ़ूंगा लेकिन यहां नहीं पढ़ूंगा तो नाइंसाफी होगी। क्या खुददारी बयान किया भाई ये शेर में, आखिर पढ़े डूबता आदमी तैराक भी हो सकता है। कोई चुप है तो जरूरी नहीं वो गूंगा हो, आहा डूबता आदमी तैराक भी हो सकता है। और आवाज को शक्ल देने की कोशिश की है आप सबकी समातों के हवाले के धुन की बेचहरगी को मद्देनजर रखते हुए, हाँ धुन की बेचहरगी को मद्दे, ये हमारे जाबिर शाह साहब उनकी जानिब से नजराने मोहब्बत। धुन की, डूबता आदमी तैराक भी हो सकता है, धुन की बेचहरगी को मद्देनजर रखते हुए, वाह धुन की बेचहरगी को मद्देनजर रखते हुए, वाह लफ्ज आवाज की पोशाक भी हो सकता है। वाह क्या बात है, धुन वाह
धुन की बेचहरगी को मद्देनजर रखते हुए वाह लफ्ज आवाज की पोशाक भी हो सकता है। इजाजत हो तो एक मतले के साथ जी, 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 पढ़ के जाओ। और मैं नहीं कहूंगा जहमतें तमाम, क्योंकि शायरी जहमत नहीं है, रहमत है, और रहमतें कभी तमाम नहीं होनी चाहिए, बरसती रहनी चाहिए, लेकिन कभी कभी रुकनी भी चाहिए। जी बरसात होती रहनी चाहिए, पीछे कोई पड़े। देखें एक 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 गजल से तीन चार शेर देख लें कि जी बड़ी तवज्जो चाहिए और कुछ अनोखा है, देखें आपको पसंद आएगा। कुछ शेर मैं देके जाता हूं आपको कि साथ निकले थे जिंदगी और मैं, साथ निकले थे जिंदगी और मैं, सबके सबकी सबकी बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। साथ निकले थे जिंदगी और मैं, वो तो आगे निकल गई और मैं, आहा क्या बात है वाह। साथ निकले थे जिंदगी और मैं, वो तो आगे निकल गई, वो तो आगे निकल गई और मैं, वाह। रो रही है ये जिंदगी मुझको, रो रही है ये जिंदगी मुझको, खुल के जीते हैं शायरी और मैं, वाह। मेरा गम जानते हैं सिर्फ दो लोग, हाँ मेरा गम जानते हैं सिर्फ दो लोग, आईने में वो आदमी और मैं, है आहा। अरे वाह अश्विनी, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, फिर पड़े, फिर मुकर्र पड़े, क्या बात है, ये है मालेगांव अच्छे शेर पर इस तरह आवाज का, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरा गम जानते हैं सिर्फ दो लोग, आहा आईने में वो आदमी और मैं, क्या बात है भाई वाह। वक्त मानो रुका रुका सा है, वक्त मानो रुका रुका सा है, वक्त मानो रुका रुका सा है, चल रहे हैं मेरी घड़ी और मैं, वाह वाह। वक्त मानो रुका रुका सा है, वाह वाह। ये हमारे इश्तियाक हाजी साहब की जानिब से नजराने मोहब्बत, वाह वाह। वक्त मानो रुका रुका सा है, वाह। चल रहे हैं मेरी घड़ी और मैं। आज के सिलसिले का आखिरी शेर और आप सबके दिल की बात, क्या बात है। और अगर आपके दिल की बात है तो ताईद कर दीजिएगा कि कभी लगता है, चल रहे हैं मेरी घड़ी और मैं, कभी लगता है खुदकुशी कर लूं, क्या बात है। कभी लगता है खुदकुशी कर लूं, कभी लगता है खुदकुशी और मैं, आहा आहा। बहुत शुक्रिया, आहा क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जियो भाई जियो, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब।